नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज अपने इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर पे इश्यूज़ हो रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट या अपने डिस्प्यूट हो रहे हैं बॉर्डर पे, जो भी विवाद हो रहे हैं, उन सभी के बारे में अपने डिटेल में चर्चा करेंगे और अपने देखेंगे उनका रीज़न क्या है और जो गलवान घाटी वाली घटना थी उसके पीछे का भी रीज़न क्या, इन सभी के बारे में आज अपने डिटेल से चर्चा करेंगे। अपने देखते हैं कि जो भारत है वो चाइना के साथ 3500 किलोमीटर की जो है रोड को, बॉर्डर लाइन को शेयर करता है, जिसमें भारत के लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये पांच जो स्टेट हैं वो चीनी सीमा को टच करते हैं। और इन सभी स्टेट्स की जो सीमा है, जिसमें से एक लद्दाख तो एक यूनियन टेरिटरी है, इन सभी के साथ चाइना का कुछ ना कुछ बॉर्डर को लेकर इशू रहता ही है। वो उसका रीज़न एक ही है कि चाइना की जो विस्तारवादी जो नीति है, अपने इस पूरे सेक्टर्स को, पूरी 3500 किलोमीटर की लाइन को तीन भागों में बांटा, जिसमें लद्दाख वाले रीजन को अपन ने वेस्टर्न सेक्टर कहा, उत्तराखंड वाले रीजन को अपन ने मिडिल सेक्टर बोला और जो अपना अरुणाचल प्रदेश वाला सेक्टर था उसको अपन ने यहाँ पे ईस्टर्न सेक्टर बोल दिया। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न सेक्टर पे जो है चाइना का कोई ना कोई डिस्प्यूट अपना बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन मिडिल सेक्टर पे क्या है, अपने डिस्प्यूट कम है। उसका एक रीज़न तो अपने ये भी कह सकते हैं कि जो अपना उत्तराखंड है वो अपना जो है हाई अल्टीट्यूड पर आता है, मतलब अपने उसकी जो भौगोलिक स्थिति देखें तो वो अपने हाई अल्टीट्यूड पे है, तो अपने वहाँ पे बेनिफिट में है, अपने वहाँ एडवांटेज में है और चाइना वहाँ इस एडवांटेज में नहीं है, इसलिए वो वहाँ तो जो है वो कम डिस्प्यूट रखता है और बाकी सेक्टर्स में उसका डिस्प्यूट जो है वो लगातार फेस ऑफ ही कंडीशन वो क्रिएट करे रखता है, लगातार वो प्रॉब्लम क्रिएट करे रखता है। तो आज अपने देखेंगे इन अलग अलग सेक्टर में एक्चुअल में डिस्प्यूट है क्या। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं वेस्टर्न सेक्टर की। वेस्टर्न सेक्टर में क्या है कि जब अपने भारत जो था वो ब्रिटिश रूल में आता था, तो ब्रिटिशर्स की एक पॉलिसी होती थी कि वो अपनी कंट्री, अपनी कॉलोनी या अपनी स्टेट को जो उनके अंडर में है उसको वो रशियन एम्पायर से दूर रखते थे, उनके इन्फ्लुएंस से भी दूर रखते थे, यहाँ तक कि जो रशियन एम्पायर से इन्फ्लुएंस कंट्री है उनसे भी उनका बॉर्डर टच नहीं होने देते थे। तो चाइना जो था वो रशिया के इन्फ्लुएंस में था, तो उन्होंने क्या करा, भारत जो था वो भौगोलिक स्थिति के हिसाब से, आर्थिक स्थिति के हिसाब से भी जो है इंग्लैंड के लिए जो है वो इम्पोर्टेंट था, इसलिए उन्होंने क्या है कि चाइना और भारत के बीच में एक बफर स्टेट रखा, उस बफर स्टेट का नाम था तिब्बत, और तिब्बत के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से मिलजुल के एक लाइन ऑफ कंट्रोल का उन्होंने ड्रॉ की और वो लाइन ऑफ कंट्रोल थी जो जॉनसन लाइन नाम से अपने को बताई गई, जो ये ब्लू कलर की जॉनसन लाइन आपको दिख रही है। लेकिन चाइना ने इस लाइन को नहीं माना क्योंकि उसकी तो आदत है हमेशा विस्तार करने की अपनी सीमाओं को। उसने कहा यह लाइन सही नहीं है, लाइन एक्चुअल में है मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन, तो जो यहाँ डॉटेड लाइन से दिख रही है। तो इस लाइन से ये डिस्प्यूट हुआ कि अगर मैं जॉनसन लाइन मानूँ तो एक्साई चीन भारत का हिस्सा है, और अगर मैं मैकार्टनी मैकडोनल्ड लाइन मानूँ तो एक्साई चीन चाइना का हिस्सा है। तो इसी कारण इस एक्साई चीन को लेकर भारत और चाइना के बीच में जो है वेस्टर्न जो ये सेक्टर है वहाँ डिस्प्यूट लगातार फेस ऑफ कंडीशन लगातार रहती है। अब मैं बात करूं ईस्टर्न सेक्टर की, तो ईस्टर्न सेक्टर में एक अरुणाचल प्रदेश में एक तवांग जो एरिया आता है, चाइना कहता है जो तवांग है वो तिब्बत का ही दक्षिणी विस्तार है, मतलब साउथ तिब्बत में जो है तवांग शहर आता है, और तिब्बत जब पूरा चाइना का है तो ये तवांग शहर भी जो किसका है, जो अरुणाचल में आता है वो भी किसका है, चाइना का ही है। तो चाइना ये क्लेम करता है कि तवांग जो है वो उसका है। तो अब समस्या ये है कि एक्साई चीन जहाँ चाइना अकोमोडेशन कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, उसको तो क्लेम भारत कर रहा है, और अरुणाचल प्रदेश जो भारत का अभिन्न अंग है और उस पर एडमिनिस्ट्रेशन भी भारत का है, भारत की स्टेट है वो, भारत का अभिन्न अंग है वो, उसको क्लेम कौन करता है, चाइना क्लेम करता है। तो ये जो मेन रीज़न है जो वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों सेक्टर्स पे चाइना अपने से जो है फेस ऑफ की कंडीशन रखता है और डिस्प्यूट की कंडीशन रखता है, और अपनी विस्तारवादी नीतियों के कारण कुछ ना कुछ यहाँ जो है घुसपैठ करने की कोशिश करता है, जिसके कारण जो है जो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है और जिसके कारण जो है तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। इसका मेन रीज़न क्या है, जब 1949 में चाइना आज़ाद हुआ, वहाँ सिविल वार ख़त्म हुई, कम्युनिस्ट शासन लगा, तो माओ ज़ेडुंग जो थे वहाँ के प्रेसिडेंट्स बने, उन्होंने जब 1950 में तिब्बत को एक्वायर किया, तिब्बत को अपने अंडर में किया, तब उन्होंने कहा तिब्बत तो सिर्फ एक झांकी है, तिब्बत तो सिर्फ उसकी पॉलिसी का एक हिस्सा है, बाकी एक हथेली की तरह है हाथ की, बाकी पाँच फिंगर जो हैं वो उसको अभी एक्वायर करना बाकी है। उन पांच फिंगर में कौन था आप डायग्राम में देख सकते हो, अरुणाचल, फिर सिक्किम, फिर भूटान, नेपाल और लद्दाख। तो इस पॉलिसी से आप समझ सकते हो कि वो क्यों अपने भारत के साथ या दूसरे देशों के साथ जो है
फेस ऑफ की स्थिति, तनाव की स्थिति रखता है, क्योंकि उसकी तो नीति माओ की नीति है कि अपने को इन 500 स्टेट्स को जो है 500 जगहों को अपने अंडर लेना है, इसलिए वो बार बार जो है वो वहाँ पे जो तनाव की स्थिति पैदा करता है। भारत ने भी पहले चीन का समर्थन खूब किया, 1954 में एक पंचशील का सिद्धांत भी उन्होंने लाए, जो बौद्ध अभिलेखों के हिसाब से, जो नाम के हिसाब से उन्होंने पंचशील उसका नाम भी रखा, उसमें उन्होंने कहा भारत हिंदी चीनी भाई भाई का नारा भी दिया, उसमें पंचशील के सिद्धांत में उन्होंने कहा कि दोनों देश एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता को मानेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण कभी नहीं करेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, समान और परस्पर लाभकारी संबंध बनाए रखेंगे और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व बनाए रखेंगे और आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने का जो इन्होंने सिद्धांत पंचशील सिद्धांत में इन्होंने वादा किया। तो भारत ने तिब्बत जब चाइना द्वारा अक्वायर किया गया तो किसी भी फोरम में उसके अगेंस्ट नहीं बोलने का उन्होंने निर्णय लिया, और यही जवाहरलाल नेहरू की जो है जो हिस्ट्री की ब्लंडर मिस्टेक भी कही जाती है, इसी कारण जो है भारत को आज इस तरह की कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। उसके बाद क्या हुआ, 1956 के बाद क्या हुआ कि 1956 से लेकर 1959 तक, 1954 में पंचशील का सिद्धांत साइन हुआ, फिर 1956 से 1959 तक चाइना ने गुपचुप तरीके से अपने शहर जिंगजियांग जो तिब्बत में आता है वहाँ से लेकर लाशा तक जो है एक सड़क का निर्माण किया, जिससे वो वहाँ के अपने सैनिकों को बॉर्डर एरिया में हाई मोबिलिटी, हाई सप्लाई चेन को प्रोवाइड करवा सके, उसके लिए उन्होंने सड़क का निर्माण भी कर दिया। और भारत को 1959 तक उस सड़क का पता ही नहीं चला, और जब पता चला वो भी एक चाइनीज़ अखबार में एक आर्टिकल छपा, उससे पता चला इंडिया को कि ऐसी एक सड़क चाइना द्वारा बना ली गई है। भारत सरकार और भारतीय सेना को जब जिनजियांग से लेकर लासा तक की सड़क का पता चला तो भारत की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने भारत को एक सजेशन दिया, भारत सरकार को, कि अब भारत को फॉरवर्ड पॉलिसी अपनानी चाहिए। और फॉरवर्ड पॉलिसी के अंतर्गत ये चीज़ हुई कि भारतीय सेना जो अब तक सिर्फ पेट्रोलिंग करती थी, उन्होंने पेट्रोलिंग की संख्या को भी बढ़ाया और साथ साथ बॉर्डर्स पे अपनी पक्की चौकियां बनानी भी स्टार्ट कर दी। तो चीन पहले तो दलाई लामा को जब भारत ने शरण दी उससे नाराज था, उसके बाद चीन ने देखा कि भारत तो फॉरवर्ड पॉलिसी के तहत अपनी चौकियाँ जो है, अपना स्ट्रक्चर जो है वो बॉर्डर पर बना रहा है, बनाना स्टार्ट कर रहा है। तो इन सब बातों से चीन के मन में ये था कि भारत कहीं तिब्बत को आज़ाद कराने के लिए तो ये फॉरवर्ड पॉलिसी नहीं अपना रहा। तो चाइना ने इन सब बातों को ऑफिशियली भी कहा कि इसी कारण उन्होंने 1962 की जो है वो लड़ाई की। 1962 में उन्होंने क्या किया, एक दिन भारत पे जो है अटैक कर दिया और चार दिनों में वो असम के तेजपुर तक पहुँच गए। उसके बाद जो नेगोशिएशन हुई, नेगोशिएशन चलती रही दोनों साइड से, उसके बाद ये फिर डिसाइड हुआ कि भारत ने तो अपनी फॉरवर्ड पॉलिसी को छोड़ दिया और चाइना और भारत की सेना जहाँ खड़ी थी वहीं उसी लाइन, वहीं एक लाइन ड्रॉ की गई और उसी लाइन को जो है जो LAC मान ली गई, और उसके बाद एक्साइज चीन जो है वो भारत से दूर होकर चाइना के कब्ज़े में चला गया, और यहीं से ही जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है बनाई गई। और अब जो डिस्प्यूट हो रहे हैं वो उसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास हो रहे हैं, और एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो है वो ड्रॉ की गई। वही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो है डिस्प्यूट है यहाँ प्योनसांग सो झील में है, कि इंडिया कहता है कि यह जो ये चोटियाँ हैं 8 फिंगर्स दिखाई गई हैं, इंडिया कहता है कि हमारी LAC 8 फिंगर तक है, चाइना कहता है मेरी जो LAC है वो फिंगर 4 तक है, और इन्हीं 8 किलोमीटर के बीच में एक विवादित क्षेत्र है जहाँ 5 जून को जो है पत्थरबाजी भी हुई भारत और इनके बीच में। जो 4 फिंगर है वहाँ पे भारत का बेस है, 8th फिंगर पे चाइना का बेस है। और भारत ने जब कोरोना काल में क्या हुआ, भारत सरकार ने इंडिया को बोला कि आप गश्त को जो है वो कम करें, पेट्रोलिंग को कम करें, उसी दौरान क्या हुआ, चाइना ने फिंगर 4 पे आके अपने टेंट लगा लिए और अंदर घुसने की कोशिश की। उसी दौरान क्या है, 5 जून को जो है यहाँ पे पथराव भी हुआ और आपस में जो है हाथापाई की स्थिति भी आई। तो चाइना ये LAC क्या है कि इस लेक के अंदर से जाती है और इस लेक में एक्चुअल LAC दिख नहीं पाती है, और पहाड़े भी है, नेचुरल स्थिति इसकी ऐसी है, प्राकृतिक स्थिति इसकी ऐसी है कि एक LAC अपने इसमें ड्रॉ कर नहीं सकते, इसलिए यहाँ जो है क्या है डिस्प्यूट रहता है। दूसरा डिस्प्यूट हुआ अभी 15 तारीख को गलवान वैली में, वो किस कारण था कि भारत चाहता है
और भारत ने बना भी ली, डरबुक से लेकर उसने दौलत बाग ओल्डी तक एक सड़क बनाई। अब अपने देखते हैं दौलत बाग ओल्डी है क्या। दौलत बाग ओल्डी एक विश्व की सबसे ऊंची हवाई पट्टी है और भारत के वहाँ एडवांस लेवल के जो प्लेन, फाइटर प्लेन है, वो वहाँ उतर सकते हैं और भारतीय सेना की जो सप्लाई चेन भी वहाँ से सुचारू रूप से चल सकती है। जब चाइना ने ये सड़क देखी तो उसका दिमाग ख़राब हुआ और उसने क्या है, इंडिया के साथ जो है डिस्प्यूट करना चालू हुआ गलवान वैली में। उन्होंने गलवान वैली को ही क्यों चुना, क्यों गलवान वैली जो है वो जगह है जहाँ पे LAC सबसे संकरी है, इसीलिए उन्होंने जो 15 जून की तारीख को गलवान वैली को ही चुना। और चीन अपना जो है वहाँ पे जो है सैनिकों को जो है घुसपैठ कराने लगा। जब जनरल स्तर की बातचीत हुई, वहाँ फेस ऑफ लंबा चला, तो वहाँ मिलिट्री ने ये डिसाइड किया दोनों देशों की कि यहाँ से जो सैनिक है वो अपने अपने जगह पीछे हटेंगे। लेकिन जब भारत की सेना यहाँ पेट्रोलिंग करने आई तो देखा चाइनीज हटने की बजाय यहाँ पे जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, और उन्होंने क्या करा, उस दौरान पीछे जो शोक नदी का पानी था उसको भी स्टोर कर रखा था, रोक रखा था। जैसे ही भारतीय सैनिक आए उन्होंने वो पानी सारा छोड़ दिया, जिससे कुछ सैनिक अपने पानी के बहाव में साथ ही बह के शहीद हो गए और बाकी इन्होंने यहाँ लोहे की रोड, कांटों वाली तारें भी इन्होंने यहाँ रख रखी थी, प्री जो है जो सोचा समझा, प्री मेडिटेटेड, प्री अरेंज जो था वो हमला था। चाइना ने भी गलवान घाटी में जो भारतीय सेना पर हमला किया वो भी इसीलिए किया क्योंकि भारत ने क्या है डरबुक से लेकर जो दौलत बाग ओल्डी तक जो सड़क बना ली है, तो चाइना नहीं चाहता था और ना ही चाहता है कभी कि भारत जो है बॉर्डर पे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करे। लेकिन अब ये भारत 1962 का भारत नहीं है, 2020 का भारत है और भारत सरकार ने भी ये चीज़ साफ कर दी है कि भारत अपनी सीमा के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम बंद नहीं करेगा, चाहे स्थिति कोई भी हो। धन्यवाद दोस्तों, ये सारा मैटर था जो अपने भारत और चाइना के बीच में चल रहा है। आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।